जय जोहार, जय आदिवासी, जय झारखंड। आज तो दोस्तों क्या है, विश्व आदिवासी दिवस है दोस्तों। आज हम लोग तो सब तरफ धूमधाम से इधर मना रहे हैं। आप लोग मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आज विश्व आदिवासी दिवस में क्या जंगल घर का खाना पीना सब मिलता है, वो भी सब बना के आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए। और एक मैसेज है कि आदिवासी लोग जितना भी है हम लोग का, सब कोई को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ हैं आज के लिए, क्योंकि आज हम लोग का विश्व आदिवासी जो मनाया जा रहा है, वो हम लोग का आदिवासी क्रांतिकारी लोग कितना मेहनत करके हम लोग को आज़ादी दिलाए हैं दोस्तों। हम लोग का जो हक अधिकार है वो सबको छीन रहा है आदमी लोग, तो सबको हम लोग को बचाए रखना है, अपना पारंपरिक संस्कृति सबको अपना के बचा के रखना है, वो सबको भूलना नहीं है, हमें सबके लिए करना ही है। तो दोस्तों हम लोग एकजुट होके हम लोग अपना जो रीति विधान है वो सबको करते ही रहेंगे। तो दोस्तों आज क्या बनाती हूँ आप लोग देखिए, दिखाओ। ये दोस्तों एक खुखड़ी है, छत्तू जिसको बोलते हैं, दीदी ला के हम लोग को दी है। उस दिन तो चुनने गए थे, मिला ही नहीं हम लोग को, तो आज सोचे कि रुगड़ा थोड़ा सा इतना सा मिला था उसको भी रखे थे, चूहा तो खा लिया। तो दोस्तों इसको बोलते हैं खुखड़ी। देखिए इसको किस तरीका से बनाना होता है, देखिए अभी मैं बनाऊंगी। ऐसे ऐसे उसका सब ये सब निकाल लेना है, ऐसे करके मिट्टी सबको निकाल लेना है, ऐसे देखिए, ऐसे उसके बाद पानी इसमें डाल देना है, ऐसे करके कर देने से बढ़िया होता है। तो अभी कितना करते रहूँगी, पानी डाल देती हूँ मैं, थोड़ा देर भीगते रहेगा। धोना ही कष्ट होता है दोस्तों। बना लिया था इतना सा, तो कैसे बनाते हैं देखिए। ऐसे ऐसे चाकू लेके मैं तो बनाती हूँ, उसमें गंदगी सब रहता है, तो ऐसे ऐसे करके सब निकालती हूँ। इसको एक बार ऐसे खींच देती हूँ, एक बार ऐसे खींच देती हूँ, ऐसे कर करके सबको ही बनाए हैं दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है, जितना खाने में टेस्ट लगता है उतना बनाने में मेहनत भी है। रुगड़ी और खुखड़ी का, रुगड़ी सॉरी रुगड़ा और खुखड़ी कुट्टू ऐसे बना साफ किया जाता है। तो खुखड़ी को ऐसे बनाते हैं हम, तो आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके बताइएगा। देखिए इसे फाड़ लेती हूँ मैं, और ऐसे इसको हो गया, और इसको भी ऐसे ही कर लेती हूँ, और ऐसे ऐसे टुकड़ा कर देती हूँ, ऐसे बना कर ऐसे इसको। और एक बार धोना होगा अच्छा से, मिट्टी मिट्टी लगेगा नहीं तो। ये देखिए प्याज भी मैं काट ली। मुझे खुखड़ी खाना ऐसे पसंद है, भुंजिया वाला पसंद है दोस्तों, मैं भुजिया ही बना के खाती हूँ। मुझे वो पानी पानी बनता है वो वाला पसंद नहीं लगता है, घिन टाइप का मुझे लगता है, इसलिए मैं भुजिया वाला बनाती हूँ भुजिया। और चला लेते हैं, उसको लाल होने तक भूनने देंगे दोस्तों। उसके बाद खुखड़ी को दे देंगे, देखिए दोस्तों भुना के हाथ को दे देती हूँ मैं खुखड़ी को।
देखो दोस्तों कितना अच्छा दिख रहा है खिचड़ी। वाह वेरी वेरी टेस्टी सेंट आ रहा है। अभी इसमें हल्दी दे दूँगी और ज़रा सा मसाला दे दूँगी, इतना ही देंगे दोस्तों, कुछ ज़्यादा नहीं देना है। मुझे इसे ही खाना पसंद लगता है। इसमें हल्दी डाल दी, इसमें हल्दी दे दी अभी और ज़रा सा ऊपर से नमक दे देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों कितना अच्छा भुंजी तैयार हो गई है। देखिए मन तो लग रहा है, अभी खा लें। अब खाने का टाइम भी हो गया, खा लेते हैं दोस्तों। अब खाने में मिलते हैं आप लोग से। देखिए दोस्तों कितना रेड टाइप का, और देखिए जूम करके दिखाते हैं कितना अच्छा। मुझे इसे ही पसंद लगता है दोस्तों, तो मैं इसे ही भूंज के ही खाती हूँ खोखड़ी। रुगड़ा को भले सब्जी जैसे बनाती हूँ, लेकिन खोखड़ी मुझे पसंद नहीं है, भुंजिया पसंद है खोखड़ी का, इसलिए मैं इसे ही बनाती हूँ दोस्तों। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों देखिए अब खाने का मैं तैयारी कर ली। थाली, चावल, दाल, मशरूम का भुजिया, खोखड़ी का भुजिया, दोनों तरह का अचार जो मैं बनाई थी, करेला का अचार मशरूम के बगल में जो है वही है, और करेला का अचार के बगल में वो जो साग का मैं बनाई थी अचार वही है। तो दोस्तों देखिए दाल में साग दिखाई दे रहा है, मुनगा साग जो बोलते हैं, सजन का साग, उसको दाल में दे के बनाई हूँ। चना दाल का दाल बनाई हूँ दोस्तों, सब दाल मिक्स की हूँ, चना दाल और अरहर दाल और मसूर दाल, सब दाल को मिक्स करके बनाई हूँ दोस्तों। बच्चा लोग को ऐसे ही दाल बहुत पसंद लगता है और मुझे भी बहुत पसंद लगता है, तो ऐसे ही बनाई हूँ आज। साग को अलग से बनाने से बच्चा उतना मन से नहीं खाता है, तो मैं मिला के ही बना देती हूँ मैं। तो दोस्तों आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग का प्यारे प्यारे हाथों से एक सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा दोस्तों। और अभी बरसात के मौसम में तो ही रुकड़ा खुखड़ी सब का ही सब्जी बनता है ज़्यादातर दोस्तों। आप लोग के तरफ क्या बोलते हैं खुखड़ी को? हम लोग तो खुखड़ी बोलते हैं, और इंग्लिश में तो मशरूम बोला जाता है दोस्तों। तो आप लोग के तरफ क्या बोलते हैं ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो ऐसे ही भुजिया पसंद है, इसलिए मैं भुजिया कर करके ही खाती हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय आदिवासी, जय जोहार, जय झारखंड।